नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीष कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। रक्षाबंधन पर्व पर सपा नेता हरीश सागर लाखा ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधाकर दिया सुरक्षा का वचन। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट आपको बताते हैं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पावन पर्व के मौके पर 122 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सपा युवा नेता हरीश सागर लाखा ने विधानसभा क्षेत्र की बहनों से सपा कार्यालय फरीदपुर में राखी बंधवाई, जहां बहनों ने दीर्घायु की कामना की। वहीं हरीश सागर लाखा ने भी बहनों को मिष्ठान आदि उपहार भेंट कर बहनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। सपा कार्यकर्ता अनूप गुप्ता समेत कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही बहनों को मिठाई भरे डिब्बे भेंट किए। मिठाई भरे डिब्बे पाकर बहनों के चेहरे खिल उठे और धन्यवाद भी दिया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर जो है आप मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, क्या इसका उपलक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से मिठाई वितरण की जा रहा है? ऐसा है, हमारे भाई जो हैं हरीश सिंह सागर लाखा जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। मतलब प्रत्याशी नहीं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशी भी हैं, अच्छा, लेकिन पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और माननीय अखिलेश जी के विचार, मतलब उसके नीतियों का विस्तार ये कर रहे हैं। जैसे माननीय योगी जी ने भी महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर बस फ्री करी, ऐसे ही हमारे अखिलेश जी की तरफ से जो है मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। और इससे पहले और क्या क्या चीज़ जो है, इससे पहले हमारे माननीय अखिलेश जी के जन्मदिन पर ही साइकिल वितरण की गई थी, उसके बाद छाता वितरण किए गए बारिश में लोगों की, गरीबों की समस्याओं का जो है निस्तारण किया गया। अच्छा, कितनी मिष्ठान आज जो है बांटा गया है बहनों के लिए? हमारे यहाँ 90 कुंटल मिष्ठान बांटा गया, केवल बहनों के लिए ही दिया गया, बहनों के लिए दिया गया, सिर्फ बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए दिया गया है। और हमारे कार्यालय में भी जो राखी बांधी उन्होंने भी, उनका हमारे नेता जी ने स्वागत किया।